आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उपवास प्रार्थना और उपवास प्रार्थना के लाभ क्या होते हैं। उपवास मतलब जिसको हम फास्ट कहते हैं, ठीक है, हम उपवास रखते हैं और बिना खाना खाए हम प्रार्थना में बैठते हैं, और उसके लाभ के बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मैंने आप लोगों से पहले 3 हफ्ते हमने आपसे बात की परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बारे में, कि लगातार हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारी आत्माओं का, हमारे प्राणों का, हमारी अंतरात्मा परमेश्वर के वचन को लगातार अंदर ग्रहण करें, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम प्रभु के वचन को सुने पढ़ें लगातार। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक मसीही जीवन में होने वाला एक आदत है, हमारी आदत होनी चाहिए, और वो है लगातार निरंतर एक नियमित रूप से उपवास प्रार्थना करना परमेश्वर के सामने। और उपवास रख के हम जब प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करके हम जब प्रार्थना करते हैं, उसके लाभ के विषय में मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि उपवास करना अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रभु मुर्दों में से जीवित हो चुका है, इसलिए हमें उपवास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ये गलत शिक्षा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उल्टा कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने इसके विपरीत सिखाया था। ये सिखाया था कि जब दुल्हा उठा लिया जाएगा, जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए जाएंगे, तब हम उपवास करेंगे। तो प्रभु चाहते हैं, प्रभु की उम्मीद है कि हम उपवास करें, अलग अलग बातों के लिए हम उपवास करें। सो उपवास रख के प्रार्थना करना, फास्टिंग करके प्रार्थना करना, ये बिल्कुल वैलिड क्रिश्चियन डिसिप्लिन है, बिल्कुल वैलिड है, ये सही है। मसीही एक आदत है, मसीही अनुशासन है उपवास रख के प्रार्थना करना। ये मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। मती में जब यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे, मती 6 में, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु तू जब उपवास करे, क्या कहा प्रभु ने, तू जब तू उपवास करे, तो फिर आगे बेसिकली ये कहा है कि तू दिखावा मत करना। जब तू उपवास करे दिखावा मत करना। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि अगर तू उपवास करे, मतलब तेरी मर्जी है करना कर लियो, ऐसा नहीं। प्रभु ने क्या कहा, जब तू उपवास करे, इसका मतलब प्रभु सिखाता है, प्रभु की उम्मीद है कि विश्वासी लोग उपवास रखेंगे। ये नहीं कहा कि अगर तू रखेगा तो ठीक से रखियो, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा, जब तू उपवास करे। तो उपवास मसीहियों के लिए एक उचित, एक मसीही अनुशासन है जिसमें हमें भाग लेना है। दूसरी बात, हम उपवास सिर्फ इसलिए नहीं रखते हैं कि हम किसी विशेष बात के लिए उपवास रखें, खूब प्रार्थना करें, खूब उपवास रखें और प्रभु से वो चीज़ हासिल कर लें और धन्यवाद प्रभु का। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ विशेष बातों को हासिल करने के लिए, परमेश्वर का स्पेशल फेवर पाने के लिए हमें उपवास करना है। ये बात अपने आप में सही है, कोई ना कोई विशेष बात के लिए हम उपवास रखते हैं और ऐसे ही उपवास रखा जाता है, लेकिन उपवास का मकसद केवल हमारी समस्याओं का हल होना नहीं होता। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, कि हमारे जीवन में कोई समस्या है या कोई बड़ा काम होने वाला है इसलिए हमें उपवास करना है, और हमने उपवास कर लिया, वो काम ठीक से हो गया, चलो प्रभु का धन्यवाद हो, नहीं। उपवास का मकसद, जो हमारी समस्या है, जो हमारा काम है, केवल वो उपवास का मकसद नहीं होता। उपवास का मकसद स्वयं परमेश्वर को पाना होता है। हालेलुया। उपवास कोई पासकोड या पासवर्ड नहीं है, कोई सीक्रेट वो नहीं है कि आप लगा दो ये काम हो जाएगा आपका। फिर क्या होगा, हम गैर विश्वासियों के लिए ये एक प्रकार का अंधविश्वास हो जाएगा, कोई समस्या है उपवास कर लो ठीक हो जाएगा। लेकिन उपवास रखा जाता है समस्याओं के लिए, लेकिन केवल समस्याओं के समाधान के लिए उपवास रखा जाता है नहीं, हम स्वयं प्रभु को पाना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु के द्वारा अपनी समस्याओं को हल नहीं करवाना चाहते, हम चाहते हैं समस्याएं हल हो जाएं, लेकिन वही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य स्वयं किसकी प्राप्ति है, परमेश्वर की प्राप्ति है, हम प्रभु को पाना चाहते हैं। परमेश्वर को पाने के लिए उपवास रखा जाता है मुख्य रूप से। हालेलुया। हाँ बेटा मैं आ रहा हूं उस पे। ओके, हालेलुया। परमेश्वर के लिए हमारे अंदर तड़प होना, परमेश्वर के लिए हमारा मन जब इच्छा, गहरी इच्छा रखता है। देखियो दाऊद क्या कहता है, दाऊद कहता है जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हांफती है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं तेरे लिए हांफता हूं, तड़पता हूं, मैं जी नहीं सकता।
बड़ा पुराना गीत है, प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। गाइए मेरे साथ, प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। इसलिए उपवास रखा जाता है कि हम प्रभु को पालें, प्रभु के नज़दीक आ जाएं। और हम जब उपवास रखते हैं, अलग अलग समस्याओं के लिए उपवास रखते हैं, प्रभु बहुत दयावान है, बहुत शक्तिशाली है। हमारे उपवास रखने से प्रभु की दया हमारे ऊपर उतरती है, समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन अगर हमारे मन के अंदर प्रभु को ही पाने की इच्छा नहीं है, तो उपवास करने का वो जो आत्मिक आनंद है वो हमको नहीं मिलेगा। जो सवाल हमें अपने आप से पूछना, क्या परमेश्वर के लिए हम हाँफते हैं? हाँफना मतलब जैसे सांस नहीं आना, तड़प रहे हैं, वो चीज हमें चाहिए। भाइयों बहनों, आप अपने आप से पूछें, मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, क्या आप परमेश्वर के लिए तड़प रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के बिना जी सकते हैं? क्या आप परमेश्वर को खोज रहे हैं? क्या परमेश्वर की नजदीकी, परमेश्वर के करीब रहना, क्या वो आपके दिल की पहली इच्छा है? उपवास रखा जाता है ताकि हम प्रभु के करीब आ जाएं। उपवास रखा जाता है ताकि हम प्रभु को समझ सकें, प्रभु को हम जान सकें। कुछ समस्याएं हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिनका समाधान केवल और केवल उपवास और प्रार्थना से होता है। मैंने आपको ये एक बात तो मैंने आप लोगों को पहले ही सिखा दी है, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उपवास रखना ही नहीं चाहिए, गलत है। हमें प्रभु को पाने के लिए उपवास रखना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, मैं चाहता हूं मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाए, मैंने उपवास रख लिया, प्रभु तो है दयावान, प्रॉब्लम दूर हो गई और हम भी प्रभु से दूर हो गए। क्या कुछ फायदा हुआ, हाँ या ना, बोलो। लेकिन ये बात भी सत्य है कि कोई कोई बातें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिनका हल उपवास और प्रार्थना से ही निकलता है। एक बार एक व्यक्ति, एक लड़का था, सच्ची कहानी है, लड़का था, उसमें दुष्ट आत्मा आई, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए गए थे अपने पिता के पास, और चेलों के पास उस लड़के को लेकर के आए जिसको दुष्ट आत्मा थी। चेलों ने खूब प्रार्थना की, खूब कोशिश की, प्रभु ने शक्ति भी दी हुई थी उन लोगों को, प्रभु ने उनको अधिकार भी दिया हुआ था, लेकिन वो चेले लोग दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। प्रभु यीशु आए, प्रभु ने अपनी दया दिखाई, उसको छुटकारा दिया, लेकिन प्रभु ने एक बात बोली कि इस तरह की जो दुष्ट आत्मा है, परंतु यह जाति, जाति मतलब दुष्ट आत्माओं की जाति, परंतु इस तरह की दुष्ट आत्मा प्रार्थना और सारे पढ़ो क्या, उपवास के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं निकलती है। अब यह सिर्फ दुष्ट आत्माओं के विषय में नहीं सिखा रहा है, हमारे जीवन में कई समस्याएं ऐसी होंगी जिनका समाधान कैसे निकलेगा, जब हम उपवास रख के प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, तो उसका समाधान निकलेगा। 2013 हमारे सत्संग के लिए एक ऐसा साल था जिस साल प्रभु ने हमें उपवास रख के प्रार्थना करना सिखाया, किसी किसी लोगों के लिए, किसी किसी समस्याओं के लिए। और उस साल से प्रभु ने हमें सिखाना शुरू किया कि बहुत सी समस्याओं का हल उपवास और प्रार्थना के द्वारा हो सकता है, हालेलुया। और आज भी आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया के जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान उपवास और प्रार्थना से हम निकाल सकते हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जिस संसार में हम जीते हैं, ये संसार वाकई में बुरे तरीके से शैतान के द्वारा चलाया जा रहा है। हम अंधकार में जी रहे हैं। आमतौर पे हमें सब कुछ सही लगता है, हम जहां चलते फिरते हैं, अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, रोटी खाते हैं, चर्च में भी आते हैं, हमें सब कुछ नॉर्मल सा लगता है। लेकिन हमें दुनियावी चीजें देखने के लिए दुनियावी आंखें चाहिए, लेकिन आत्मिक चीजें देखने के लिए आत्मिक आंखें चाहिए। इसलिए ये बात सत्य है कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, ये शैतान इसको चला रहा है, इसके पीछे शैतान है, इस दुनिया की सोच विचार के पीछे शैतान का दिमाग है, इस दुनिया की विचारधारा शैतान की विचारधारा से मिलती जुलती है, और ऐसी दुनिया में हम जीते हैं, ऐसी दुनिया से रोज हमारा सामना होता है, हमारा मन अंदर से अब भी पाप के लिए हम कभी कभी गिर जाते हैं, और इसलिए बहुत से बंधन अभी भी हैं जुड़े हुए हमारे साथ, और बहुत सी हमारी समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान उपवास और प्रार्थना से होगा।
उपवास प्रार्थना रखना आज भी अनिवार्य, आज भी उचित है, वैलिड है, आज भी हम उपवास रखते हैं। बल्कि ये यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद, यीशु के इस धरती में वापस आने तक उपवास रखेंगे विश्वासी लोग। प्रभु ने कहा था उपवास रखना, अभी बहुत ज्यादा हमें आवश्यकता है उपवास रखने की। उपवास केवल अपनी अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को पाने के लिए रखा जाता है। और हमारी कुछ समस्याएं ऐसी होंगी जिनका समाधान, जैसे यीशु ने कहा, ये जाति प्रार्थना और उपवास के अतिरिक्त किसी उपाय से नहीं निकलती। कुछ आपके जीवन की कुछ समस्याएं ऐसी होंगी जिसके लिए हमें उपवास रख के प्रभु के सामने हलीम बन के प्रभु का इंतजार करना होगा। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बातें? हालेलुया। उपवास अलग अलग प्रकार का होता है। हम जब उपवास के बारे में सोचते हैं, हम तुरंत एक ही बात हमारे मन में आती है कि सुबह उठेंगे, कुछ नहीं खाएंगे और रात तक हम कुछ नहीं खाएंगे, शाम को 6 बजे हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम फिर खाना खा लेंगे। फिर क्या, यही हमारे हम सोचते हैं यही उपवास है। अलग अलग तरह के उपवास होते हैं। हम अलग अलग तरह के उपवास का पैटर्न हम चुन सकते हैं, लेकिन मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि बहुत लोग उपवास और प्रार्थना का दिन ठहराते हैं। हम सब ऐसे करते हैं, उपवास प्रार्थना का दिन ठहरा दिया, चलो आज मैं उपवास प्रार्थना कर रहा हूं। पर एक्चुअली हो क्या रहा होता है, केवल हम भोजन से दूर रहते हैं, दैट्स ऑल। हमारी आत्मा प्रभु के सामने हलीम होके, उपवास वाली आत्मा हमारे ऊपर नहीं होती, हमारे अंदर नहीं होती, और प्रार्थना तो बिल्कुल नहीं होती। हम कहते हैं उपवास और प्रार्थना, बहुत लोग केवल उपवास रखते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं। उपवास और प्रार्थना का मतलब, जब हम अपने आप को भोजन से दूर रखते हैं, किसी ऐसी वस्तु से दूर रखते हैं जिससे हम बड़ा लगाव रखते हैं, तो उपवास रखने के साथ साथ प्रार्थना भी बहुत जरूरी है। अगर आप उपवास रखेंगे और प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप अपने आप को बेमतलब भूखा भी रख रहे हैं और कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है। इसलिए हमें उपवास और प्रार्थना हम जब कहते हैं तो दोनों चीजें होनी चाहिए, उपवास के साथ प्रार्थना भी अनिवार्य है। अब उपवास रखना आसान है, प्रार्थना करना मुश्किल है। उपवास रखना फिर भी आसान है, प्रार्थना करना और भी मुश्किल है। ऐसा क्यों? क्योंकि उपवास करना एक पैसिव काम है, मतलब वो सक्रिय काम नहीं है, असक्रिय काम है। खाना नहीं खाया, उपवास हो गया। लेकिन प्रार्थना करना एक सक्रिय काम है, एक एक्टिव काम है। उपवास करना क्या है? पैसिव है, असक्रिय है। लेकिन प्रार्थना करने में बैठना पड़ेगा, प्रभु से बात करनी पड़ेगी, नम्रता से प्रभु के सामने आना पड़ेगा। उसमें मेहनत लगती है, उसमें परिश्रम लगता है। इसलिए मैं आपको ये बात सिखाना चाहता हूं कि बहुत बार हम उपवास करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। उस तरह के उपवास का भी कोई भी फायदा नहीं होता है। उपवास आज भी मसीहियों के लिए उचित है। कुछ समस्याएं उपवास के द्वारा परमेश्वर निकालते हैं। उपवास का मकसद केवल हमारी किसी किसी प्रॉब्लम को दूर करना नहीं होता। इवन दो ऐसा सही है, सच है कि उपवास के जरिए से प्रभु की शक्ति काम करती है उस समस्या में, ये बात सही है। लेकिन केवल अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए उपवास रखना गलत है। हम उपवास करते हैं ताकि हम स्वयं परमेश्वर को पा सकें, परमेश्वर को जान लें, परमेश्वर हमारे अंदर एक काम करे, परमेश्वर हमें हलीम करे। परमेश्वर एक्चुअली, हम जब उपवास करते हैं हमें लगता है कि हमारी उपवास प्रार्थना से बहुत कुछ हो रहा है, और हमें लगता है हाँ खुदा बड़ा महान है, मैं उपवास कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मेरी प्रार्थना मेरी प्रॉब्लम को दूर भी कर रहा है। लेकिन एक्चुअली ये गलत नजरिया है। सही बात क्या है? हम जब उपवास कर रहे होते हैं, प्रभु हमारी समस्या में उतना काम नहीं कर रहा होता जितना काम वो हमारे अंदर कर रहा होता है। हालेलुया। आपको लगता है कि परमेश्वर, जिसने एक शब्द बोल के सारी धरती को बना दिया, आपके जीवन की छोटी सी प्रॉब्लम या बड़ी प्रॉब्लम, क्या परमेश्वर मोहताज है इस बात का कि हम भूखे रहें और तब हमारी समस्या दूर हो? परमेश्वर हमारे भूखे रहे बिना, परमेश्वर हमारे उपवास के बिना भी हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए योग्य है। लेकिन जो मेन काम प्रभु करता है, हम जब उपवास प्रार्थना करते हैं, हम जब प्रार्थना ही करते हैं, और बड़े रूप से हम जब उपवास प्रार्थना करते हैं खास तौर पे, प्रभु हमारी समस्याओं को तो आराम से वैसे ही दूर कर सकता है, प्रभु हमारे दिल में काम कर रहा होता है। इसीलिए उपवास और प्रार्थना परमेश्वर की प्राप्ति के लिए किया जाता है,
परमेश्वर को जानने के लिए किया जाता है, परमेश्वर के करीब आने के लिए किया जाता है, अपने आप को शुद्ध करने के लिए किया जाता है उपवास प्रार्थना। ये कोई केमिकल कोड नहीं है, ये कर लो एक दिन खाना मत खाना तुम्हारा काम बन जाएगा, ये उस तरह का अंधविश्वास की कोई बात नहीं है। सचमुच शक्ति है उपवास प्रार्थना में, और उपवास प्रार्थना की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि हम शुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। समस्या तो प्रभु बहुत दयावान है, प्रभु इतना दयावान है कि आपके जीवन में जो कल आने वाला कल है और आने वाले कल में जो समस्या होगी जिसको हम जानते भी नहीं, प्रभु पहले से उन समस्याओं को हमारे लिए दूर कर सकता है। लिखा है वचन में, रही वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा। आप वहां अपना पाँव रखेंगे उससे पहले प्रभु आपको बचा के रखेगा। लेकिन प्रभु आपके अंदर मेरे अंदर काम करना चाहता है, हमें शुद्ध और ताजा करना चाहता है, हमारी आंखें खोलना चाहता है। इस मकसद से हमें उपवास प्रार्थना करना है, प्रभु मैं तुझे जान लूं और तू मेरे अंदर काम कर, तू मुझे मेरी मरम्मत कर, मुझे ठीक कर, मेरी सोच को ठीक कर, मेरा दर्शन साफ कर, मेरी नजर ठीक कर, मेरे अंदर काम कर परमेश्वर। इसलिए उपवास रखा जाता है। इसलिए उपवास प्रार्थना का जो पहला फायदा है वो यही है कि हमारी उपवास हमारी अंतरात्मा को शुद्ध करके आत्मा की भरपूरी पाने के लिए हमें तैयार करता है। सब मिलके पढ़ें, सामने देखें, सब मिलके पढ़ें। हाँ, उपवास हमारी अंतरात्मा को शुद्ध करके आत्मा की भरपूरी पाने के लिए हमें तैयार करता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको जो उससे मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। ये प्रभु यीशु मसीह की कामना है, इच्छा है कि हम प्रभु से क्या मांगे, क्या मांगे बोलो। प्रभु हमें अब हम जब विश्वास में आए, जिस पल जिस घड़ी हम विश्वास में आए, पवित्र आत्मा हमने पा लिया, हालेलुया। लेकिन क्या हम सब पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा की शक्ति को सब अनुभव करते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा को रोज समर्पण करते हैं? क्या पवित्र आत्मा के चलाए हम चलते हैं? क्या हम जो बोलते हैं पवित्र आत्मा के सुनने पर बोलते हैं? क्या हम जो करते हैं पवित्र आत्मा के रास्ता दिखाने पर हम करते हैं? ये है पवित्र आत्मा को रोज रोज पाना, ये है पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलना। और हम जब अब उपवास का पवित्र आत्मा पाने से क्या लेन देन है, इस वचन को देखें। प्रभु ने कहा, नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी। सब मिलके यहां से पढ़ें, परंतु नए दाखरस को नई मशकों में भरा जाता है। अगर हमारे अंदर पुरानी बातें हैं, अगर हमारे अंदर पुरानी अशुद्धता बार बार जो आना चाहती है और हम अपने आप को खोल देते हैं और पुरानी अशुद्धता हमारे जीवन में आ रही है, तो कैसे खुदा का शक्ति हमारे ऊपर कैसे काम करेगी। इसलिए उपवास के जरिए हम अपने अंतरात्मा की चिंता करते हैं, अपनी उस बाहरी दुनियावी समस्या की उतनी चिंता नहीं करते हैं। उपवास के हम जब उपवास रख के प्रभु के सामने बैठते हैं तो पश्चाताप के साथ प्रभु के सामने बैठते हैं, घमंड के साथ, अपनी उपलब्धियों के साथ, अपने जो अपने अपने संसारिक बातों को लेकर के ही प्रभु के सामने नहीं बैठते हैं। हम सबसे पहले जब उपवास करते हैं, जब फास्टिंग करते हैं, अपनी अंतरात्मा की चिंता करते हैं। पौलुस भी बूढ़ा होकर भी उसको अपनी अंतरात्मा की चिंता है, उसको अपने उद्धार की चिंता है, उसको अपने दौड़ को पूरा करने की चिंता है। हम जब उपवास करते बैठते हैं, उपवास करने के लिए बैठते हैं, हम प्रभु से बोलते हैं, प्रभु मुझे नया कर ताकि तेरा काम मेरे अंदर हो सके। और जब तक हमारे जीवन में हम शुद्ध नहीं होंगे, परमेश्वर के समान नहीं बनेंगे, और उसके लिए क्या अपनी ताकत से करेंगे, नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की ताकत से हम करेंगे। परंतु यदि हमारे अंदर इच्छा नहीं है, चाहत नहीं है, लगन नहीं है, तो अपने आप को हम खोखला महसूस करेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा को परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि वो हमें पवित्र आत्मा देना चाहता है, ये उसकी उमंग है, उसकी इच्छा है, ये उसकी उदारता है कि हम उससे पवित्र आत्मा मांगें, और उपवास हमें उसके लिए तैयार करता है। दूसरी बात, उपवास के द्वारा हम दर्शाते हैं कि भोजन से बढ़कर हमें परमेश्वर की जरूरत है। बहुत बार हमारा जीवन केवल बाहरी बातों को लेकर के होता है। यहाँ पे भोजन, केवल भोजन की बात नहीं हो रही है, संसारिक चीज़ों की बात हो रही है। केवल भोजन, केवल कपड़े, केवल मेरे संसारिक सपने, केवल मेरी नई नई चीज़ें,
मेरी उमंग, मेरी आशाएं, जीवन इन बातों से नहीं भरा। उल्टा प्रभु ने कहा कि तुम्हारे जीवन की अहमियत इसमें नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी चीजें हैं, चीजों के बहुतायत, आपके घर में फर्नीचर कितना है, आपके पास चीजें कितनी हैं, उससे तुम्हारे जीवन की अहमियत नहीं मापी जाती है। और उपवास इस बात को दर्शाता है कि प्रभु ये संसारिक चीजें और भोजन केवल यही नहीं मेरे जीवन का मकसद और लक्ष्य है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा कि यह लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हरेक शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता है। वरना भोजन तो सबके पास है, संसारिक सुख सुविधाएं तो सबके पास हैं, बल्कि हमसे ज्यादा लोगों के पास है कि नहीं, हमसे ज्यादा लोग लेके बैठे हैं, लेकिन क्या उनके पास जीवन है? यदि आप आज अपना जीवन केवल रोटी कमाने का लक्ष्य बना लें, अगर आपके जीवन का लक्ष्य मात्र अच्छी नौकरी पाना है और मात्र इतने पैसों की नौकरी पाना है और मात्र आपके बच्चे को बेस्ट एजुकेशन दिलाना, बेस्ट पढ़ाई आपके बच्चे को मिलना, अगर यही आपके जीवन का लक्ष्य है तो आपके और मेरे पास भी जीवन नहीं है। ना हम जीवन की कामना करने वाले हैं, क्योंकि हमारी कामना धरती की चीजें हैं। प्रभु ने स्पष्ट कहा मेरा राज्य इस धरती का नहीं है। उपवास हम जब रखते हैं, हम प्रभु को यह दिखाते हैं कि जीवन के लिए, इस धरती के जीवन के लिए, धरती के बाद के जीवन के लिए, अगर हमें सचमुच प्रभु की आशीष चाहिए तो केवल धरती की चीजों की कामना हमें कुछ नहीं करेगी। हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। फास्टिंग के जरिए से हम अपने शरीर को अधीनता में लाते हैं, हम सिखाते हैं अपने शरीर को, हमारा शरीर हमको ना चलाए, हम हमारे शरीर को चलाते हैं। हम उसको सिखाते हैं कि तू झुक मेरे परमेश्वर के सामने, क्योंकि जीवन की जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो केवल परमेश्वर हमें दे सकता है। फास्टिंग के द्वारा, उपवास के द्वारा हम पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर की संगति का गहराई से आनंद उठाते हैं। कितने लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है, मुझे हाथ उठा के बताना, कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ काम कर रहे थे, या तो घर में या दफ्तर में, आप कुछ बड़ा काम कर रहे हैं और काम करते करते आप इतने बिजी हो गए कि आपको आपके घर के किसी मेंबर ने या कि आपके सामने चाय ला के रखी गई और काम में इतने व्यस्त थे कि चाय ठंडी हो गई। कितने लोगों से ऐसा हुआ है, हाथ उठाएं, ऐसा हुआ है? कितने लोगों से ऐसा हुआ कि आपके घर के लोग बोल रहे खाना खा लो, लेकिन 3 घंटे हो गए, अभी 1 बजे खाने का टाइम था, 4 बज गए हैं और हम काम में बड़ा व्यस्त हैं। कितने लोगों से ऐसा हुआ कि 4 बज गए और खाना नहीं हमने खाया क्योंकि हम काम में बड़ा व्यस्त थे? कितने लोगों से ऐसा हुआ है, होता है? उपवास हम जानबूझकर, उपवास क्या है, हम जानबूझकर ये करते हैं कि हमें खाना ठंडा हो रहा है, हमें खाने की जरूरत नहीं है, हम परमेश्वर में मगन हैं। हालेलुया। जो हम अपने संसारिक चीजों में हमारा इंटरेस्ट होता है, बड़े बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो चाय 4 बार गर्म करनी पड़ती है, खाना ठंडा हो जाता है, फिर हम खाते ही नहीं है, बोलते हैं चलो अब तो 4 बज गए, मैं सीधा 7 बजे 8 बजे रात का ही खाना खाऊंगा। जो ये हम काम की व्यस्तता में, काम में मगन रहने से, जो खाने से दूर रहते हैं, उपवास क्या है, परमेश्वर में मगन रहने के लिए खाने से दूर रहना। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है कि जिस तरह का आनंद मुझे मेरे काम में मिल रहा है, मुझे चाय की परवाह ही नहीं है, मुझे खाने की परवाह नहीं है, ये काम मुझे पूरा करना है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपना काम पूरा करना है, उसी प्रकार हम खाने को जानबूझकर अपने आप से दूर रहते हैं ताकि हम परमेश्वर की संगति का आनंद उठा सके, ताकि जब 12 बज जाएं तो मुझे चिंता नहीं है कि मुझे फिर सब्जी काट के मुझे खाना बनाना है, 1 बजे मुझे खाना खाना है। हमारा मन फ्री है, हमारा समय ज्यादा मिल जाता है हमें, क्योंकि खाना खाना ही नहीं है, प्रार्थना करनी है। और यहीं पे मैं आपको बोल रहा हूं, जहां पर ये गलती मैं भी, हम सब करते हैं, कि हम उपवास प्रार्थना में केवल उपवास करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। उपवास प्रार्थना में उपवास और प्रार्थना दोनों जरूरी हैं। चौथी बात, उपवास के द्वारा हम परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार रहते हैं। हम जब उपवास करते हैं, पहली बात तो आपने जब जब आप लोगों ने उपवास किया,
आप सब इस बात को मान सकते हैं कि जब हमने उपवास किया उस दिन हम परमेश्वर की निकटता का ज्यादा ध्यान रखते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है हमारे अंदर, क्योंकि हमने वो दिन ठहरा दिया। ये आज का दिन उपवास करके परमेश्वर को खोजने का दिन है। उस दिन हमारे मन में अवेयरनेस ज्यादा रहती है कि हम आज हम प्रभु की महिमा के लिए हमें जीना है। प्रभु बार बार परमेश्वर के पास जितना जितना हमें टाइम दिन भर में मिल सके हम प्रभु के पास जाएं, शाम को या जब हमारा समय हमको दे हम लंबे समय तक परमेश्वर के चरणों में बैठें, उन बातों के लिए प्रार्थना करें जिसके लिए हमने उपवास रखा है। उसी प्रकार ये एक सच्चाई है कि उपवास के द्वारा हम परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए तैयार रहते हैं, परमेश्वर को पहचानने के लिए हम तैयार रहते हैं। जब मैं आपको बाइबल की एक कहानी बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हन्ना के बारे में, जो कि एक प्रभु की दासी थी, बुजुर्ग, उसकी शादी के बाद की, ये सच्ची कहानी है, उसकी शादी के 7 साल के बाद वो विधवा हो गई। छोटी उम्र में विधवा हो गई, 84 साल तक ऐसी रही वो। उसके बारे में हम क्या देखते हैं, हन्ना नाम की एक नबिया थी जो अशोर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह अत्यंत बूढ़ी हो चली थी और पड़ो सारे मिलके विवाह के पश्चात 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रही थी और 84 वर्ष की आयु तक विधवा रही। अब वो विधवा रही, यंग मतलब छोटी उम्र में विधवा हुई। छोटी उम्र में विधवा हुई स्त्री ने क्या किया, पढ़ो सामने, क्या किया उसने, वह मंदिर को, मंदिर मतलब प्रभु का मंदिर जहां सच्चे प्रभु की आराधना होती है, जो यरूशलेम में था, वह मंदिर को कभी नहीं छोड़ती थी वरन पढ़ो रात दिन उपवास और प्रार्थना करके सेवा में लगी रहती थी। उसी क्षण वहां आकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी। कहां पर आकर, यहां पर यीशु को मंदिर में लाया गया। अभी यीशु मसीह बहुत छोटा है, नन्ना सा बालक है, और यीशु मसीह को मंदिर में लाया गया। अब सुनो, ये स्त्री, ये जो बुढ़िया थी जिसके जीवन में दुख था, उसके जीवन में लोग उसको कोसते होंगे, उसको लोग श्रापित कहते होंगे, उसको लोग समाज में अपने घरों में आने नहीं देते होंगे। हमारे चर्च में एक बार ऐसे हुआ था कि एक पति पत्नी हमारे चर्च के ही हैं, उनका जब बेटा पैदा हुआ तो हमारे चर्च की एक विधवा स्त्री थी, उस विधवा ने कहा कि मैं क्या आपकी मदद करने के लिए आऊं। इस परिवार को उस समय मदद की आवश्यकता नहीं थी। इस परिवार ने बोला कि नहीं आंटी, हम ठीक हैं। उस आंटी को यह लगा कि क्योंकि शायद मैं विधवा हूं तो शायद ये मुझे अपने नए जन्मे बच्चे को देखना नहीं चाहते कि मैं उनके बच्चे को देखूं, क्योंकि शायद मैं, मेरे ऊपर कोई श्राप है। एक विधवा का दुख केवल विधवा जानती है। हम कितना भी करुणा से भरे हुए ना हो, कितने भी हम करुणा दया वाले लोग हों, लेकिन एक एक विधवा का दर्द केवल एक विधवा समझ सकती है, हम नहीं समझ सकते। इसने भी उस जमाने में तो और बढ़ चढ़ के, आजकल के जमाने में महिलाएं तेज हैं, आगे हैं, उनको बहुत मौका मिलता है जिंदगी में कुछ करने का। उस जमाने में ऐसा नहीं था। दुखों से उसका जीवन भरा हुआ था, त्याग से उसका जीवन भरा हुआ था, लेकिन उस महिला ने छोटी उम्र में उसका निर्णय क्या था, उसका निर्णय, उसका फैसला ये था, जो मेरी जिंदगी में हुआ सो हुआ, मेरे जीवन में दुख है तो है, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर की मंदिर में दिन रात उपवास रख के मैं प्रार्थना करूंगी। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि वो लगातार उपवास प्रार्थना करने के द्वारा, क्योंकि उसके कान परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार थे और उसकी आत्मिक आंखें परमेश्वर की बातों को देख करके समझने के लिए तैयार थी, इसलिए जब यीशु मसीह को मंदिर में लाया गया वो प्रभु यीशु मसीह को देख के पहचान गई। हालेलुया। उपवास प्रार्थना हमें क्या करता है, क्या हमारी केवल समस्याओं को दूर करता है? नहीं, उपवास प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह को हमें पहचानने के लिए हमारी आंखों को खोल देता है। हम परमेश्वर को जानने लगते हैं। ये जो महिला थी, इसके पास कोई एक दिन पहले नहीं गया, अच्छा ध्यान रखियो कल ना 11 बजे वो यीशु मसीह के माता पिता आएंगे मंदिर में लेकर के, ना तू उनको जरा सा अच्छे से उनका वेलकम करना, किसी ने खबर नहीं पहुंचाई थी। उसको कैसे पता चला? क्योंकि उसके कान परमेश्वर की वाणी पर लगे हुए थे, उसका मन परमेश्वर की आहट पे लगा हुआ था, उसकी आंखें परमेश्वर के काम को देख सकती थी। हालेलुया। इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि वो मंदिर को कभी नहीं छोड़ती थी, रात दिन उपवास और प्रार्थना करके सेवा में लगी रहती थी। उसी क्षण वहां आकर, वहां मतलब जहां यीशु को लाया गया, वहां आकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। अगर आप उपवास प्रार्थना करेंगे,
अगर आप परमेश्वर को ढूंढते हुए, परमेश्वर की कामना करते हुए, स्वर्ग की बातों को समझने के लिए, स्वर्ग के भेदों को जानने के लिए यदि आप उपवास प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग के भेद और बातें आपके सामने खोल दिए जाएंगे। आपके ऊपर उसका क्या असर होगा? आप यीशु मसीह को पहचानने लगेंगे। दूसरा क्या असर होगा? आप दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताने लगेंगे। हमने ये सीखा है कि उपवास के द्वारा, पढ़ें सारे, उपवास के द्वारा परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हम तैयार होते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये आखिरी बात है कि उपवास के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। उपवास केवल, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, रखा जाता है, बाइबल सिखाती है कि बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए, चट्टान जैसी समस्याओं के लिए, ना हिलने वाली, जल्दी ना बदलने वाली, कठोर और दुष्ट समस्याओं के लिए उपवास रखना बनता है, जरूरी है, रखना पड़ेगा। प्रभु ने भी कहा इस तरह की नहीं जाती है बिना उपवास और प्रार्थना के। लेकिन केवल अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए उपवास नहीं रखा जाता है, स्वयं परमेश्वर की प्राप्ति के लिए रखा जाता है, परमेश्वर को पहचानने के लिए रखा जाता है, परमेश्वर को सही से जानने के लिए उपवास रखा जाता है, और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हम शक्ति मांगते हैं उपवास के द्वारा। इफिसियों का 2:8-9 हम सबको अच्छे से मालूम है, जहां पे हम जानते हैं कि उद्धार और पापों की माफी वो हम सबको चाहिए, थोक में चाहिए। हम बड़े पापी लोग हैं, बड़े पाप करते हैं, जब पाप किया प्रभु माफ कर दे, तू मेरे लिए क्रूस पे मारा गया, खुदा मुझे क्षमा कर दे, क्षमा सबको चाहिए, माफी सबको चाहिए, उद्धार सबको चाहिए। इफिसियों 2:8-9 में यही लिखा है, तुम्हें मुफ्त में उद्धार दिया गया। लेकिन इफिसियों 2:10 उसके अगले पद में ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ऐसे काम रखे हैं जो तुमको अपनी जिंदगी में पूरे करने हैं। परमेश्वर की आज्ञा सुनकर, परमेश्वर की आज्ञा पाकर और परमेश्वर की शक्ति पाकर इस धरती पर जो काम प्रभु ने दिया है, उस काम को पूरा करने के लिए क्या हमारे अंदर वही तड़प है जो पापों की माफी पाने के लिए है? प्रभु यीशु, मेरा ये बाइबल का एक वन ऑफ माय फेवरेट वर्स है, जब यीशु ने यूहन्ना 17:4 जब यीशु ने प्रार्थना की, अंतिम प्रार्थना अपने पिता से की, और यीशु ने कहा, पिता जो काम तूने मुझे इस धरती पर करने को दिया था उस काम को मैंने पूरा कर दिया है। मैं ये सोचता हूँ कि क्या हम अपनी मरते दम पर, मरती हुई सांस के पहले क्या हम बोल पाएंगे कि प्रभु जो काम तूने, जो सेवा तूने मुझे सौंपी इस धरती पर, मैंने वो पूरी कर दी। जैसे पौलुस ने कहा, मैंने अपनी विश्वास की दौड़ को पूरा किया, मैंने विश्वास की लड़ाई को लड़ा, मैं अंत तक बना रहा, मैं पीछे नहीं हटा। क्या आप और मैं अपने मरते दम तक ऐसा बोल पाएंगे कि प्रभु जो काम तूने मुझे दिया मैंने पूरा किया? क्योंकि इस पृथ्वी के रचने से पहले, धरती के बनाए जाने से पहले, दुनिया के बनाए जाने से पहले प्रभु ने दो काम किए थे। पहला काम, हमें चुन लिया था। दूसरा काम, हमारे लिए एक सेवा का काम नियुक्त किया था। दोनों के लिए हमें गंभीर रहना है, और उपवास प्रार्थना हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरे करने के लिए हमारी मदद करता है। किस प्रकार? प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक बार एक घटना घटी। किसी स्थान पर वो थे, चेलों को खाने की बड़ी चिंता होती थी, लोगों को भी बड़ी चिंता, ये लोग तो यीशु के पीछे पीछे आते थे खाना खाने के लिए। एक बार चेलों ने बोला, प्रभु आप कुछ खा लो आप, तो यीशु ने कहा, मेरे पास कुछ बहुत बढ़िया है खाने को। तो उन्होंने बोला, क्योंकि वो लोग गांव मार्केट में गए थे, जब वापस आए तो यीशु ने बोला, मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ है खाने को। तो वो लोग कहने लगे, शायद ना कोई खाना लेके आया होगा प्रभु के पास। यीशु ने क्या कहा? मेरा भोजन है मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करना। उस समय प्रभु यीशु मसीह एक प्रकार के उपवास में थे, क्योंकि धरती के लोग, संसार की सोच रखने वाले लोग उन्हें खाना देना चाहते हैं। यीशु क्या कहते हैं? ये खाना नहीं, मुझे एक और खाना मुझे करना है। कौन सा है मेरे लिए भोजन? क्या है? मेरे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना मेरा भोजन है। अब सुनो ध्यान से, हमें भोजन क्या देता है? हमें भोजन क्या देता है? हमें मुंह में स्वाद लगता है? बोलो सारे, स्वाद लगता है? सारे बताओ, पहली बात बताओ क्या है?
हमें हमें टेस्टी लगता है, दूसरा क्या हमें भोजन क्या देता है, हमें एनर्जी देता है, और क्या देता है हमें, स्ट्रेंथ, हमें हमें ताकत मिलती है, यस और नो? इसका मतलब अगर हम धरती के जीवन, धरती के भोजन के लिए जिएंगे, हम जीवन भर धरती की इन बातों का स्वाद लेते रहेंगे। संसार की बातों का स्वाद, संसार की बातों की शक्ति हमारे अंदर होगी, लेकिन अगर ये, अगर संसार की बातें, अगर भोजन हमें ये चीजें देता है, परंतु यदि हमारा भोजन भी प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने से हमें क्या मिलेगा? स्वाद मिलेगा, मतलब आनंद मिलेगा, हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। आपने कभी ऐसा किया है? आप अच्छा खाना बनाया, आपकी पत्नी ने या आपने, या किसी शादी में गए, अच्छा खाना खाया, कुछ भी नहीं छोड़ा, अच्छे से खाना खाया, हम अंत में क्या बोलते हैं, सब लोग क्या बोलते हैं? मजा आ गया, मतलब मैं सेटिस्फाई हो गया, मतलब मैं तृप्त हो गया। उस तरह की तृप्ति हमें मिलेगी जब प्रभु की इच्छा करना मेरा भोजन हो जाएगा। क्या उस तरह की तृप्ति की कामना हम करते हैं? अगर हम केवल धरती की चीजें, भोजन, कपड़े, अपनी नौकरी, पैसे कमाना, पैसे जोड़ना, घर बनाना, अब मेरे पास एक कमरे का घर है, फिर मेरे पास डेढ़ कमरे का घर है, फिर दो कमरे का घर हो जाए, अगर इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे तो जरूर इन चीजों को आप पालेंगे, आनंद पालेंगे, संसार का आनंद पालेंगे, पेट भर जाएगा संसार की बातों से, खुश हो जाओगे, लेकिन आत्मिक रूप से क्या, क्या आपका भोजन है प्रभु की इच्छा करना? क्या मेरा भोजन है प्रभु की इच्छा करना? उसी समय उसके पास निवेदन किया, चेलों ने निवेदन किया। देखो कैसी बात के लिए निवेदन कर रहे हैं, निवेदन ये कर रहे हैं क्या, रब्बी कुछ खा ले। क्या कोई बुरी बात बोल रहे हैं? अपने गुरु के लिए तो अच्छी बात रख रहे हैं ना। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? परंतु यीशु ने उत्तर दिया, पढ़ो मेरे साथ, क्या है? मेरे पास खाने को ऐसा भोजन है जिसके विषय में तुम नहीं जानते हो। तो चेलों ने क्या कहा, पढ़ें, कोई उसके लिए भोजन तो नहीं लाया कि हम प्रभु के लिए लाए हैं रोटी, और कोई स्त्री आई थी गांव से और यीशु मसीह के लिए आलू के परांठे लाई है, क्या लाई है? अब मुझे बताओ, आलू रोटी बेहतर सूखी वाली, वो भी मोटी वाली, वो भी टेढ़ी मेढ़ी गोल भी नहीं है, क्या रोटी अच्छी ऐसी वाली या आलू के परांठे? बताइए, आलू के परांठे। तो उनके मन में वही कुछ आ रहा, कुछ अच्छा होगा प्रभु के पास, कोई इसके लिए भोजन तो नहीं लाया। तो अब आगे पढ़ो, यीशु ने उन्हें कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और उसका कार्य पूरा करूं। अपनी सेवा के प्रति कमिटमेंट, समर्पण, त्याग, एक फोकस, एक कमिटमेंट, एक ध्यान, एक मतलब पूरा ध्यान उधर है जो मुझे प्रभु ने कहा है इस धरती पे करने के लिए। उपवास इस प्रकार की एटीट्यूड को लाने का एक जरिया है अपने अंदर। ये मेरी सोच है, ये मेरा सोचने का तरीका है, मुझे संसार की चीजें ना मिले तो चलेगा, मैं छोटी उम्र में विधवा हो जाऊं कोई बात नहीं, परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए योजना है। अगर मैं छोटी उम्र में विधवा हो गई तो भी मैं परमेश्वर के मंदिर में दिन रात उपवास करके प्रार्थना करूंगी और सेवा करूंगी। हम में से बहुत लोग हैं जो अपने जीवन की समस्याओं का निपटारा होने का इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए। बहुत लोग, पहले मेरी इतनी कमाई हो जाए तो मैं खुदा की सेवा करूंगा, पहले मेरा ये कर्जा मैं भर जाऊं तो मैं खुदा की सेवा करूंगा, पहले मैं कम से कम इतना तो बटोर लूं फिर मैं खुदा की सेवा करूंगा, पहले मेरी ये बीमारी तो ठीक हो जाए तो मैं खुदा की सेवा करूंगा, पहले मेरा बच्चा कम से कम 12-13 साल का हो जाए तो मैं खुदा की सेवा करूंगा। हम सब के सब प्रभु के साथ सौदा करने में लगे हैं। पहली बात तो हम ये सोचते हैं कि मेरी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सचमुच में आपकी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है तो आप अपनी सेवा को आगे नहीं टालेंगे, आप आज प्रभु की सेवा करेंगे। और अपनी स्थिति के बावजूद, अपनी कंडीशन के बावजूद, उस विधवा ने नहीं कहा, प्रभु मेरी उम्र केवल 17 साल की है, प्रभु मुझे एक अच्छा लड़के से मेरी शादी हो जाए। हमारी यीशु नाम सत्संग जो वेबसाइट है, मुझे महीने में कम से कम 3 से 4 लोग, ये लगातार पिछले 4 साल से ऐसा हो रहा है, महीने में कम से कम 3 से 4 लोग ऐसे होते हैं जो या तो फोन करते हैं या ईमेल लिखते हैं, जो अपनी शादी को लेकर के उनका मन टूटा हुआ है।
और वो उनकी प्रार्थना यही है, मुझे ये लड़की पसंद है मेरे लिए प्रार्थना करो, ये लड़की मुझे मिल नहीं रही है ये मान नहीं रही है मेरे लिए प्रार्थना करो, या मेरी शादी हो जाए मेरी शादी हो जाए, और इस तरह की अन्य संसारिक चीजों के लिए लोग तड़प रहे हैं, और वो कहने फिर मैं प्रभु के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। हम प्रभु को बताते हैं प्रभु आप मेरे लिए ये करो, मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, आप मेरे लिए ये करो तो मैं आपका गुण गाऊंगा। प्रभु का गुण तब भी गाया जाता है, प्रभु का गुण हर समय गाना चाहिए, प्रभु का गुण तब भी गाया जाता है जब मेरी जिंदगी में जो हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु की इच्छा को जान करके उसको पूरा करने के लिए क्या आपके जीवन में त्याग और समर्पण है? उपवास परमेश्वर के सामने हम जाते हैं ये दिखाने के लिए, खुदा मेरी मदद कर, मैं मैदान छोड़ के भागना नहीं चाहता, मैं अपनी सेवा को पूरा करना चाहता हूं। उपवास के बारे में आज हमने सीखा है कि फास्टिंग इज अ वैलिड क्रिश्चियन डिसिप्लिन, उपवास रखना उचित है आज भी, इनफैक्ट आज इस युग में यीशु के आने के पहले उपवास ज्यादा उचित है, क्योंकि यीशु अभी आया नहीं है और हमें इस संसार में जंग को जीतना है, अपने विश्वास की अपनी दौड़ को हमें पूरा करना है, अपनी सेवा की पुकार को पूरा करना है। प्रभु की उम्मीद है कि हम उपवास रखें, उसने कहा जब तुम उपवास रखो, ना कि अगर तुम उपवास रखो, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। उपवास केवल अपनी ड्यूटी पूरा करने के लिए, यार मुझे प्रभु ने चर्च में पास्टर ने सिखाया था, जॉय भैया ने सिखाया था उपवास करना चाहिए, चलो अब ना मैं काम करूंगा, मैं हफ्ते में ना एक बार तो रख ही लूंगा उपवास, ताकि कोई ऐसे तो ना बोले, प्रभु भी ना बोले कि यार तूने उपवास ही नहीं रखा, प्रभु चलो मैं रखूंगा आज के बाद उपवास, तो एक ना क्या मतलब ड्यूटी हो गई मेरी, अब तो मुझे रखना ही है। इस तरह से उपवास नहीं रखना है, प्रभु के सामने नम्र होके दीन होके एक भिखारी के समान, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं तेरे बिना, या फिर अपनी समस्या को ही दूर करने के लिए उपवास नहीं रखा जाता है, लेकिन परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, परमेश्वर को स्वयं परमेश्वर को पाने के लिए उपवास रखा जाता है। और ये भी सत्य है कि हमारे जीवन में कई समस्याएं ऐसी होंगी जिसका छुटकारा हमारे प्रभु के सामने दीन और नम्र होने के साथ जुड़ा हुआ है, और वो हम उपवास प्रार्थना के जरिए से करते हैं। बहुत सी समस्याओं का निपटारा उपवास और प्रार्थना से किया जाता है। जब मैं अपने इस वचन को लिख रहा था तो जो टेबल है मेरा उसमें वो किताबें लिखी हैं जिनके अंदर प्रार्थना का विषय लिखा है, तो एक पुरानी किताब थी मेरे सामने और मुझे मालूम था कि कौन सी किताब में कौन सी प्रार्थना लिखी है। मैंने उस किताब को निकाला और मैंने उसके पन्नों को खोला और जब मैंने देखा तो मुझे ध्यान आया ये तो वो बातें हैं जिनके लिए हमने उपवास रख के प्रार्थना की थी और वो सारी बातें प्रभु ने पूरा की हैं। हालेलुया। इसलिए अगर आपके जीवन में हैं समस्याएं, आप नियम अनुसार परमेश्वर पे पूरा भरोसा रख के, परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर दयावान है, परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर बुद्धिमान है, परमेश्वर कोई गलती नहीं करता, इन बातों पर पूरा यकीन रख के प्रभु के सामने प्रार्थना करना शुरू करो, उपवास प्रार्थना करना शुरू करो, प्रभु आपको जरूर अपने समय पर उत्तर देगा। हालेलुया। और हम जब उपवास रखते हैं हमें सचमुच में उपवास रख के प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि केवल उपवास रखना चाहिए, प्रार्थना भी करना जरूरी है। और जो पांच बातें जो हमने सीखी हैं, जो पहली बात है वो ये है कि उपवास हमारी सब आप लोग मिलके पढ़ें, उपवास हमारी अंतरात्मा को शुद्ध करके आत्मा की भरपूरी पाने के लिए हमें तैयार करता है। जोर से पढ़ेंगे आप सब। दूसरा पॉइंट, उपवास के द्वारा हम दर्शाते हैं कि भोजन से बढ़कर हमें परमेश्वर की जरूरत है। तीसरी बात, उपवास के द्वारा हम पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर की संगति का गहराई से आनंद उठाते हैं। चौथी बात पढ़ें, उपवास के द्वारा हम परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार होते हैं, और आवाज सुनकर के, केवल आवाज सुनकर के नहीं बोला प्रभु अच्छी है आवाज आपकी, धन्यवाद प्रभु आपने बात की, हमेशा प्रभु कुछ करने के लिए भी कहेगा, और अधिकतर वो बातें स्वयं के बदलाव की होती हैं। हमेशा कोई तो वहां उस गांव में जाके प्रचार कर, हमेशा प्रभु इस तरह बात नहीं करता है। परमेश्वर की भी पहली चिंता हमारे लिए हमारी आत्मा है,
ना कि हमारी सेवा है। हमारी सेवा का स्थान हमारे जीवन में द्वितीय है, दूसरा है। पहला हमारा खुद का अंदर अंदर का आदमी कैसा है, हम अंदर से कैसे हैं, परमेश्वर हमें किस प्रकार देखता है, परमेश्वर क्या मेरे जीवन से प्रसन्न है, क्या मेरे गुप्त में परमेश्वर को आनंद मिलता है, ये सारी बातें। तो परमेश्वर की आवाज को हम सुनते हैं उपवास के द्वारा। और आखिरी बात पढ़ें, उपवास के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को अपने आप को द्वारा पढ़ेंगे। उपवास के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।